बाराबंकी जिले के सफदरजंग थाना क्षेत्र से एक हैरान करने वाली वारदात सामने आई है। दरअसल यहां भाई ने अपनी विवाहिता बहन की कुल्हाड़ी से हमला कर निर्मम हत्या कर दी। उसके बाद फिर वो खुद पुलिस थाने पहुंचा और सरेंडर कर दिया। इस हत्याकांड की खबर मिलते ही गांव के लोग सकते में आ गए। हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि जमीला बानो 2 महीने पहले ही ससुराल से मायके आई थी। सुबह जब उसकी माँ सोकर उठी तो उसने घर में जमीला बानो का खून से लथपथ शव पड़ा देखा। बेटी का खून से लथपथ शव देखकर माँ जोर जोर से रोने लगी। घर में चीख पुकार सुनकर मोहल्ले के काफी लोग इकट्ठा हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव के पास से खून से सनी कुल्हाड़ी बरामद कर शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस आरोपी भाई और उसकी माँ से थाने में पूछताछ कर रही है। जानकारी होते ही मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह ने घटना स्थल का निरीक्षण कर पूछताछ की। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश नारायण सिंह ने बताया कि हत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। आरोपी उस्मान और उसकी मां जोहरा से पूछताछ की जा रही है। मौके से सारे सबूत जुटाकर जांच पड़ताल की जा रही है। थाना सफदरगंज में मोहम्मद उस्मान नामक 50 वर्षीय व्यक्ति ने करीब 2-2.5 महीने से मायके में रह रही अपनी बहन, जिसकी उम्र 30 वर्ष थी, 2.5 वर्ष पूर्व लगभग शादी हुई थी, आज भोर में शक के आधार पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ प्रहार करके उसकी हत्या कर दिया। पुलिस को जैसे सूचना मिली तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। आवश्यक कार्रवाई करते हुए वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन करते हुए प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियुक्त पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त उस्मान को हिरासत में लेकर के आवश्यक पूछताछ किया जा रहा है। पूरी साक्ष्य संकलन करते हुए वैज्ञानिक साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक विधि कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मौके पर कानून एवं शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। बता दें कि मृतक जमीला बानो का विवाह करीब 2.5 वर्ष पूर्व मसौली थाना अंतर्गत त्रिलोकपुर गांव के रहने वाले मोहम्मद आसिफ के साथ हुआ था। भाई ने अपनी बहन की हत्या किस वजह से की है अभी इसका कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बाराबंकी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।